नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस रेट में। दोस्तों, भारत अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। इसलिए दोस्तों, अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए भारत आने वाले समय में 25 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदने जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी रकम है। दोस्तों, आने वाले समय में भारत द्वारा कई डील साइन होती हुई नजर आएंगी। वहीं दोस्तों, अब फ्रांस की तरफ से एडिशनल 36 राफेल, जो कि एयरफोर्स स्टैंडर्ड के हैं, उनको खरीदने का ऑफर फ्रांस द्वारा इंडिया को दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भी एडिशनल 36 राफेल को खरीदना चाहती है। इसलिए दोस्तों, फ्रांस के साथ भारत की एडिशनल 36 राफेल के एयरफोर्स स्टैंडर्ड की डील को लेकर भी बातचीत चल रही है। दोस्तों, राफेल के एयरफोर्स स्टैंडर्ड भारतीय एयरफोर्स में ऑपरेशनल राफेल के F-3R स्टैंडर्ड से भी कहीं ज़्यादा एडवांस है। दोस्तों, अगर ये डील हो जाती है तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को 2026 के बाद से राफेल की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, फ्रांस द्वारा राफेल के एयरफोर्स स्टैंडर्ड की डिलीवरी किट के माध्यम से की जाएगी, जिसको असेंबल भारत में डसॉल्ट की पार्टनर कंपनी रिलायंस द्वारा किया जाएगा। वहीं दोस्तों, जब से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में अनबन शुरू हुई है, तब से इंडिया फ्रांस के रिलेशन में काफ़ी सुधार आए हैं और फ्रांस अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करने को तैयार हो गया है। इसलिए दोस्तों, इस साल के अंत तक फ्रांस से एडिशनल 36 राफेल के एयरफोर्स स्टैंडर्ड की डील होने जा रही है। और दोस्तों, इस डील के हो जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर में बहुत इजाफा हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। दोस्तों, DRDO द्वारा रुद्रम 3 मिसाइल को डेवलप कर लिया गया है। ये हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है। दोस्तों, इस मिसाइल का निशाना दुश्मन के डिफेंस सिस्टम होते हैं। वहीं दोस्तों, इस मिसाइल के टेस्ट के लिए लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत 20 रुद्रम 3 मिसाइल को मैन्युफैक्चर कर लिया गया है और सुखोई 30 MKI में रुद्रम 3 मिसाइल का इंटीग्रेशन का काम भी पूरा हो चुका है। इसके बाद अब दोस्तों, रुद्रम 3 मिसाइल के कैप्टिव फ्लाइट टेस्ट 2022 के बाद से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि रुद्रम 3 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसीलिए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम भी इसको ट्रैक नहीं कर पाते। और दोस्तों, इस मिसाइल के आ जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के टेरिटरी में जाए बिना ही रुद्रम 3 मिसाइल का इस्तेमाल करके दुश्मन के 550 किलोमीटर अंदर तक एयर स्ट्राइक करने में सक्षम हो जाएगी। वहीं दोस्तों, DRDO द्वारा रुद्रम 2 और रुद्रम इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल पर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे अपडेट की ओर। तो दोस्तों, इंडिया के लॉकहीड मार्टिन के साथ 6 C-130J हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर बात लगभग तय हो गई है और उसके ऑर्डर जल्द दिए जाएंगे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 12 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं और दोस्तों, एडिशनल 6 C-130J हरकुलिस विमान इंडियन एयरफोर्स को मिलने के बाद इनकी संख्या 18 हो जाएगी। और दोस्तों, इनमें से एक या दो विमानों का इस्तेमाल टेस्ट बैच की तरह किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों DRDO और अमेरिका की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक ऐसे ड्रोन पर काम कर रही है जिनको हरकुलिस विमानों से हवा में छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, ये ड्रोन दुश्मन की टेरिटरी के पास से छोड़ दिए जाएंगे, जिससे दुश्मन के एरिया में भारी तबाही मचा देंगे। दरअसल दोस्तों, ड्रोन की रेंज काफी कम होती है, इसलिए दोस्तों इस तरह के ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है जिसको हवा में ही लॉन्च किया सके। इस वजह से एयर लॉन्च अनमैंड एयर व्हीकल प्रोग्राम पर अमेरिका और इंडिया दोनों काम कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, एक या दो हरकुलिस विमानों का इस्तेमाल इन एयर लॉन्च अनमैंड एयर व्हीकल के लिए टेस्ट बैट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे अपडेट की ओर। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 बोइंग C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की जा चुकी है और दोस्तों, बोइंग इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा। वहीं दोस्तों, 56 एयरक्राफ्ट में से 16 एयरक्राफ्ट बोइंग की फैसिलिटी से डायरेक्ट इंडिया पहुंचेंगे, जबकि 40 एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इंडिया में बनाएगी। दोस्तों, इस डील से इंडिया में 15,000 डायरेक्ट जॉब मिलेगी, जबकि 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिलेगी। दोस्तों, बोइंग का C-295 एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी 5 से 10 टन है और दोस्तों, इस डील से इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वहीं दोस्तों, 10 साल के अंदर अंदर सभी 56 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगी। दोस्तों, बोइंग के C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जा सकेगा, जैसे कि इन एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफिलिंग करने में या फिर उनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को आवास में बदला जा सकेगा। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर देगा। दोस्तों, 56 बोइंग C-295 एयरक्राफ्ट की डील 22,000 करोड़ रुपए में की गई है। वहीं दोस्तों, भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए 6 P-8I विमान खरीदने जा रही है, जो कि पहले के मुकाबले बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ आएगी। दोस्तों, एडिशनल 6 P-8I एयरक्राफ्ट की डील $2.2 बिलियन की है। वहीं दोस्तों, पहले से इंडियन नेवी में 10 P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।